कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव देवी पाटन मंडल के जनपद गोंडा बलरामपुर के प्रभारी सैफ अली नकवी के गोंडा कांग्रेस भवन में प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। माला व पुष्प की वर्षा के साथ साथ जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी व नगर अध्यक्ष रफी रानी ने दी ढेरों सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, होम मिडिल ईस्ट। देखिए, हम लोग को सूचित किया गया था कि जो प्रभार क्षेत्र है वो सबको जो है जो सचिवगण है उनको दिया गया है। उसी के अंतर्गत हम लोग को बताया गया कि प्रभार क्षेत्र, मुझे बताया गया कि गोंडा बलरामपुर जो है वो आपको दिया गया है। मेरा ये पहला दौरा है सचिव। मैं पहले 3 साल सचिव जो हूँ वो हरदोई में रह चुका हूँ और पार्टी में प्रवक्ता की हैसियत से काम करता था। संगठन जो है वो हर चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और प्रियंका गांधी जी के निर्देश के ऊपर और अपने अजय कुमार लल्लू जी के आदेश के ऊपर हम लोग जो हैं वो कई महीनों से संगठन सृजन अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चला रही है। उसी के अंतर्गत जो है वो जो पहले यहाँ पे हमारे प्रभारी थे और उनसे मेरी बातचीत भी हुई और हमारे AICC के सचिव आदरणीय धीरज गुर्जर जी, उनसे मेरी वार्तालाप हुई और मुझे ये बहुत बताते हुए फख्र होता है कि गोंडा में न सिर्फ संगठन के ऊपर काम जो चल रहा है उसके ऊपर एक उसको धार देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में और जो लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश पुराने लोग नए लोग रह गए हैं, संगठन में सारे समाज का एक समायोजन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो नीतिगत कुशासन जो आम जनमानस के ऊपर चल रहा है इसको संगठन के ज़रिए और आम कांग्रेस जन के ज़रिए उसको धार देने के लिए, उसकी आवाज़ बनने के लिए और यहाँ पे मजबूती से कैसे हम कांग्रेस को ब्लॉक लेवल और ब्लॉक लेवल के बाद में नए पंचायत लेवल, नए पंचायत या बूथ लेवल को कैसे हम पहुँचाएँगे, इस कार्य योजना के साथ में मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे आपने कहा कि पुराने और नए लोगों का सामंजस्य, जी क्या कुछ गड़बड़ था क्या संबंध नहीं? देखिए, होता क्या है कि जब भी संगठन नए तरीके से बनाया जाता है या नए लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर पुराने और नए लोग, प्रियंका गांधी जी ने ये नीति बनाई है कि जो पुराने लोग होंगे वो ना सिर्फ हम लोग को आशीर्वाद देंगे, उनका मार्गदर्शन होगा, नए लोग होंगे हम लोग सब लोग लाठी डंडे खाएंगे, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, पर नए लोगों को कहते हैं कि जो अगर नए पौधों को उगना है तो बड़े वृक्ष की छांव के अंदर ही वो पौधे उग सकते हैं, उनकी छांव के बिना वो पौधे नहीं उग सकते हैं। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश में चल रही है और उनको छत्र छाया प्रियंका गांधी जी की है और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी को छत्र छाया सोनिया गांधी जी की है। तो उसी तरीके से जिले में जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे अग्रज हैं, उनका आशीर्वाद लेकर घर घर जाकर नए लोग जो हैं हम लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे, मार्गदर्शन देंगे और सशक्त रूप से 2022 का जो एक बिगुल है वो आज से ही मैं आपके ज़िले में फूकने का ऐलान करता हूँ। कितने हैं कि क्या बताया जाए, पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था है और बेरोजगारी है और सबसे बड़ा जो मूल मुद्दा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक कह सकते हैं सरकार का दोगलापन है और पुलिस की लाठियां हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, वो मुख्य मुद्दा है कि जिस वजह से आपको उत्तर प्रदेश में सरकार जो है में आप आए थे, हर तरीके से आप उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। आज नौजवानों के ऊपर